जहीर खान के खेलने पर सस्पेंस, दिल्ली पर बाहर होने का खतरा। दिल्ली के कप्तान जहीर खान के पैर की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसकी वजह से उनका आज का मैच खेलना संदिग्ध लग रहा है। उधर दिल्ली रेड डेविल्स पर आईपीएल से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। टीम का प्ले ऑफ में पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। तेज गेंदबाज जहीर खान चोटिल हैं। पिछले मैच में भी वो मैदान पर नहीं उतरे थे और आज के मैच में भी उनके खेलने की कम उम्मीद है। जहीर को कोलकाता के खिलाफ ईडन गार्डन में मैच के दौरान चोट लगी थी। टीम सूत्रों का कहना है कि हैदराबाद के खिलाफ टीम के अगले मैच में नहीं खेलेंगे। हालांकि लगातार होने वाले मैचों और जहीर के पैर की मांसपेशियों को लेकर पुरानी समस्याओं को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है कि यह तेज गेंदबाज समय पर उबर पाए। यह 38 साल का तेज गेंदबाज पंजाब के खिलाफ टीम के पिछले मैच में भी नहीं खेल पाया था, जिसमें टीम 67 रन पर सिमट गई थी। आज के मैच में करुण नायर का रिवाइव कप्तान होंगे। दिल्ली लगातार हार का सामना करती जा रही है, जिसके कारण उनका प्ले ऑफ में जगह बना पाना मुश्किल हो गया है। जहीर की कप्तानी में टीम ने 7 मैच खेले, जिसमें 2 में जीत जबकि 5 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 1 मैच में करुण नायर ने कमान संभाली, जिसमें भी दिल्ली को पंजाब के हाथों हार मिली। दिल्ली अब 8 मैचों में 4 अंकों के साथ सबसे थैंक फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक लीव अ कमेंट. We'll be right back.